टी20 वर्ल्ड कप में भारत की शर्मनाक हार के 8 दिन के बाद बीसीसीआई ने बड़ा एक्शन लिया है। टीम इंडिया के सिलेक्टर्स को रातों रात बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। बीसीसीआई के नए लोगों के नाम भी मांगे हैं। जो साबिक क्रिकेट के खिलाड़ी सिलेक्टर्स बनना चाहते हैं उन्हें 28 नवंबर तक दावेदारी पेश करनी होगी। रिपोर्ट देखिए। टीम इंडिया में कौन खेलेगा कौन नहीं, किसे चुनना है किसे नहीं, ये सब तय करने वाले सिलेक्टर्स की पूरी टीम रातों रात निपट गई। सिलेक्शन कमेटी के कप्तान चेतन शर्मा से लेकर सुनील जोशी, देवशीष मोहंती और हरविंदर सिंह तक की बीसीसीआई ने छुट्टी कर दी। टी20 वर्ल्ड कप में भारत की शर्मनाक हार के बाद बीसीसीआई का ये पहला बड़ा एक्शन है। 10 नवंबर को टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत इंग्लैंड के हाथों 10 विकेट से हार कर बाहर हुआ था। उसके 8 दिन के बाद 18 नवंबर को सिलेक्टर्स को हटाने का फैसला लिया गया। सिलेक्टर्स का यह ऐसा पैनल रहा जिसके लिए गिनाने को सिर्फ नाकामियां हैं। बीसीसीआई से राय के मुताबिक इनको हटाने की एक नहीं बहुत सारी वजह है। साल 2021 और साल 2022 के टी20 वर्ल्ड कप में 10-10 विकेट की शर्मनाक हार। एशिया कप 2022 में लीग स्टेज से ही टीम इंडिया बाहर हो गई। 2021 की शर्मनाक हार के बाद भी टीम में बड़े बदलाव नहीं किए गए। एक साल में 8 कप्तान बदल दिए गए, यानी कप्तानों को लेकर एक्सपेरिमेंट होते रहे। अच्छी बेंच स्ट्रेंथ के साथ भी उन्हें टीम में मौका नहीं दिया गया। नए टैलेंट के नाम पर किसी बड़े खिलाड़ी की तलाश नहीं की गई। बड़े टूर्नामेंट में प्लेइंग 11 तक ठीक से नहीं मिला। बुमराह के इंजर्ड होने के बाद भी टीम ने उन्हें चुना गया। बीसीसीआई जरा की माने तो सिलेक्टर्स से केएल राहुल को लेकर भी पूछा गया कि राहुल लगातार फेल होने के बाद भी टीम में क्यों बने रहे। खतरा रोहित शर्मा की कप्तानी पर भी मंडरा रहा है। जरा बताते हैं कि बीसीसीआई टेस्ट के लिए अलग और वनडे टी20 के लिए अलग कप्तान की सोच रही है। ऐसे में हो सकता है कि रोहित से टी20 की कप्तानी छीन ली जाए। इसके अलावा आने वाले वक्त में बीसीसीआई और भी कई बड़े और कड़े फैसले ले सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो टीम इंडिया को लगातार मिल रही हार के बाद अब बीसीसीआई कई बड़े एक्शंस ले सकती है। इस राय के वाले से कई खबरें। इस वक्त अंकुर हमारे साथ, हमारे नुमाइंदा जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। अंकुर, क्या जानकारी मिल पा रही है? बीसीसीआई ने पूरी सिलेक्टर्स कमेटी को बर्खास्त कर दिया है, नई एप्लीकेशन जारी की है, एप्लीकेशन मांगी 28 तारीख तक। क्या जानकारी इस हवाले से? नहीं, फिलहाल ये आप इसको कंसिक्वेंसेज के तौर पे देख लीजिए जो टी20 वर्ल्ड कप में हार हुई है, लेकिन इमीडिएटली कंसिक्वेंसेज नहीं है। ये पूरा बिल्डअप हो रहा था, आप इसे एक साल का पूरा काम जो सिलेक्टर्स ने किया, जो कप्तान के तौर पे रोहित शर्मा ने किया, उस हर काम को ऑडिट किया जा रहा था, हर जीत को, हर हार को, हर परफॉर्मेंस को ऑडिट किया जा रहा था। और एंड ऑफ द डे जब 10 विकेट से ज्यादा से की हार होती है टी20 वर्ल्ड कप में, उसके बाद ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि यहाँ से अब एक बदलाव का दौर शुरू होगा। और इस बदलाव के दौर के कई चरण होंगे। पहला चरण जो अब हम देख रहे हैं, जिस तरह से सिलेक्टर्स को फिलहाल पूरी तरह से हटा दिया गया है, 5 नए सिलेक्टर्स के लिए एप्लीकेशन इन्वाइट किए गए हैं और 28 नवंबर उसकी डेडलाइन रखी गई है। बहुत सारी अलग अलग इसके पहलू हैं कि किस तरीके से हमने 2021 के वर्ल्ड कप में हम इसी तरह से हारे थे 10 विकेट के हार से। 2022 में फिर वही उसी बात की पुनरावृत्ति होती है और 10 विकेट से हार जाते हैं। एशिया कप में हमारा परफॉर्मेंस इतना खराब होता है, पाकिस्तान को लेकर जो पिछले टूर्नामेंट, अगर हम टी20 वर्ल्ड कप जो अभी हाल में हुआ उसको छोड़ दें तो उसके अलावा जो परफॉर्मेंस आई वो बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। उसके अलावा जब भी सिलेक्टर किसी टूर पे जाते हैं तो उस पर जाने का एक मकसद होता है, उनका काम होता है कि कोई नया टैलेंट है जिसको वो सर्च कर सकते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक क्रिकेट हो चाहे वो इंटरनेशनल हो क्रिकेट हो। उनका काम होता है जो प्लेइंग 11 के अंदर कौन खिलाड़ी है जिसको प्रमोट किया जाना चाहिए, कौन खिलाड़ी है जो प्लेइंग 11 में फिलहाल परफॉर्म नहीं कर रहा है उसको हटाकर दूसरे नए खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए। ये तमाम पहलुओं पर कहीं पर भी काम होते हुए नहीं देख रहे हैं। आप उदाहरण स्वरूप आप देख लीजिए टी20 वर्ल्ड कप जो अभी हाल में होके हुआ है ऑस्ट्रेलिया में, कहां पर के राहुल को लगातार मौके पे मौके दिए गए हैं जबकि उनका परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री नहीं रहा है, सोशल मीडिया पर भी उनको ट्रोल किया गया। तो फिर सिलेक्टर्स ने अपना काम क्यों नहीं साधा? ये पहला चरण था जब सिलेक्टर्स को लेकर कार्रवाई हुई है। अंदाजा इस बात का भी है कि जो कप्तानी को लेकर भी, जो 3 फॉर्मेट हैं उनको लेकर भी जल्दी एक बड़ा फैसला बीसीसीआई ले सकती है। जी अंकुर, ये जानकारी मिल पा रही है कि रोहित शर्मा की जो टी20 की कप्तानी वो मुश्किल में पड़ सकती है। किस हवाले से खबर है कि जो टी20 और टेस्ट का फॉर्मेट है इसके लिए अलग अलग कैप्टेंसी का भी चयन किया जा सकता है बीसीसीआई की ओर से, इस तरह की भी खबरें सामने आ रही हैं।
जाहिर तौर पर अभी तक किसी भी खबर की पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन जैसा मैं बता रहा हूं कि नेक्स्ट लेवल पर अब कैप्टेंसी को लेकर अब यहां पर काम किया जाना है। हो सकता है एक बड़ा फैसला आप होते हुए देखें कि T20 का एक अलग कप्तान हो और टेस्ट की कप्तानी फिलहाल राहुल जो रोहित शर्मा है उसी को सौंपी जाए। तो फिलहाल ये सब ये पता चलेगा कि बीसीसीआई आगे किस तरह से मूव लेती है। पहला उनका जो टारगेट है सिलेक्टर्स को पूरी तरह चेंज कर देना, 28